पी ए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एम एम एस सी स्टूडेंट्स अभी हम लोग टॉडल्स का कल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसके आगे का जो एज ग्रुप है फोर uh, टू कल हम लोगों ने वन टू थ्री ईयर्स के बच्चों का न्यूट्रिशन देखा आज पढ़ेंगे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन फोर टू सिक्स ईयर्स चार से छः साल के जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं यानी अभी ये पूरी तरह स्कूल जाना इन्होंने नहीं शुरू किया लेकिन प्ले ग्रुप जैसे स्कूलों में इन्हें एडमिशन मिल जाता है और ये वहाँ जाना शुरू कर देते हैं तो इनके इस समय कैसे ग्रोथ होती है और क्या न्यूट्रिशन इनको लेना चाहिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड इज़ वेरी फास्ट देखिए इस समय बच्चों की ग्रोथ बहुत तेज होती है वाइल एट टाइम द चाइल्ड इज इंगेज इन कंटिन्यूस एंड एक्टिव प्ले बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत खिलाड़ी टाइप का हो जाता है लगातार वो इंगेज रहता है खेलने में मस्त रहता है ही और शीश पासिंग एट अदर टाइम्स और जो लड़का और लड़की होते हैं उनका पूरा पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है सिर्फ खेलते रहते हैं अपने आप को वो अपने से बातें करते हैं अपने में व्यस्त रहते हैं द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड आर ऑल्सो बींग डेवलप्ड इसलिए क्योंकि इस समय उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है मेंटल कैपेसिटी उनकी बढ़ रही है हिज़ और हर ग्रोथ इज़ ग्रोथ इज़ फॉस्टर्ड बाय ए न्यू एनवायरनमेंट इन ए स्कूल अब वो प्ले ग्रुप में उन्होंने जाना शुरू कर दिया तो उनकी जो ग्रोथ है वो मतलब नए स्कूल के जो एनवायरमेंट है उसके साथ वो, वो अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस ईयर स्पेसिफिक सच एज प्रोटीन कैल्शियम एंड आयरन नीड एम्फेसिस सिंस बोन ग्रोथ एंड मसल्स डेवलपमेंट थोड़ा सा यहाँ पे पानी गिर गया है इसलिए गड़बड़ हो गया है पर आपको समझा देती हूँ ड्यूरिंग दिस ईयर मतलब ये जो समय है चार से छः साल का दिस ईयर कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इनके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं ताकि इनका मेंटल एंड फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से हो सके। वो जिन पे पर इम्फेसिस या जोर दिया जाना चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन कैल्शियम एंड आयरन इनकी इनके लिए अत्यंत आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय इनकी बोन ग्रोथ हो रही है और मसल्स का डेवलपमेंट कंटिन्यूस हो रहा है प्रोटीन रिक्वायरमेंट आल्सो रिमेन हाई इसलिए जब मसल्स डेवलपमेंट और ब्रेन का डेवलपमेंट और बोन्स का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो इन बच्चों को प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए विटामिन्स इस्पेश सी एन ए आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ और टिश्यूज़ के डेवलपमेंट के लिए इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ई वी एल ओ पी एम ई एन टी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज यानी स्पेशली इनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन सी और ए की आवश्यकता होती है फूड एंड फीडिंग अब इनको क्या फूड चाहिए और कैसे फीडिंग होनी चाहिए द प्री स्कूल डिमांड्स ए लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड्स जो प्री स्कूल बच्चे होते हैं इनकी डिमांड होती है इनको खाने में वैरायटी की आवश्यकता होती है डिफरेंट डिफरेंट तरह के इनको खाने की आवश्यकता होती है इनकी डिमांड होती है एट दैट टाइम ही और शी प्रिफियर्स प्रीफर्स सिंगल फूड विथ सिंपल फ्लेवर रैदर दैन कॉम्प्लिकेटेड फूड एंड डिशेज सच एज़ हैविली स्पाइस करीज ये जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ये ज़्यादातर सिंपल फ्लेवर वाले एकदम साधारण सा जो फ्लेवर जिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है जिस भोजन से मिलता है उसको ये बहुत लाइक करते हैं उसके कंपैरिजन में जो फूड बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या जो बहुत हैवी स्पाइसेस या मसालों के साथ करी के साथ जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो इन बच्चों को पसंद नहीं आती द चाइल्ड एपियर्स टू बी इंटरेस्टेड इन ट्रैक्चर कलर एंड फॉर्म ऑफ द फूड बच्चा जो है बच्चे का बहुत इंटरेस्ट या ध्यान होता है खाने के अपियरेंस पे कि खाना देखने में किस तरह के टेक्सचर का है गीला है पतला है कि बहुत लिजा सा है लेह जैसा बना हुआ है ये सब बहुत ध्यान देते हैं कलर्स बच्चे खाने के कलर पे भी जाते हैं एंड फॉर्म ऑफ द फूड और किस फॉर्म में फूड को दिया जा रहा है हिज नीड इज टू आइडेंटिफाई ईच फूड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम अनेमेड ये इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका बड़ा ही वो हर खाने की विशेषता को जानना चाहते हैं और उसका नाम जानने के बड़े इच्छुक होते हैं बड़ी क्योरेसिटी होती है ये क्या है ये कैसा है ये क्यों है मुझे क्यों खाना चाहिए इस टाइप के वो क्वेश्चंस करते हैं जो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में भी वो बहुत काम आता है Finger foods such as raw fruits and vegetables cut in finger size. आर मच एक्सेप्टेबल इन दिस एज ग्रुप इस एज ग्रुप के चार से छः साल के जो बच्चे हैं इनको अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फिंगर के शेप में आ, काट के उनके हाथ में पकड़ाते हैं उनको देते हैं प्लेट में सजा के तो उन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत होती है यानी वो बहुत पसंद बच्चों के द्वारा किया जाता है मिल्क इज़ लेस प्रफर्ड बाई प्री स्कूल चिल्ड्रेन अभी तक तो वो लगातार दूध ही पीते आए हैं जब से पैदा हुए तो मिल्क को वो डिसलाइक करने लगते हैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं इसलिए मैंने पहले भी बताया है कि टॉडलर्स में भी ये बात कभी कभी देखी जाती है तो कम से कम मिल्क के सब्सटीट्यूट माँ को हमेशा बना बना करके देने चाहिए जैसे दूध व दूध से बनी चीज़ें हम पनीर दे सकते हैं चीज़ कस्टर्ड पुडिंग कर्ड हैं कई फ्लेवर्स में दे सकते हैं रंगीन दूध बना के दे सकते हैं ये सब तो पाउडर्स आते हैं एनर्जी ड्रिंक तैयार करने के लिए और हम जो ईटेबल कलर्स हैं फ्लेवर्स हैं उनको भी इसमें ऐड करके बच्चों को दे सकते हैं द एस ऑफ द डाइट शुड बी ऑन द क्वांटिटी क्वालिटी मतलब इनके डाइट में जब भी डाइट इनको दी जाए तो एक तो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी गुणवत्ता बहुत अच्छी क्वांटिटी पे ध्यान दिया जाना चाहिए यानी कि एक साथ में बहुत सारा खाना इनको दे दिया थोड़े थोड़े अमाउंट में दें तो मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगी उससे क्या होता है कि बच्चों में एक चाह रहती है और डिमांड बनती है लेकिन एक बार में माँ अगर कटोरा भर के या प्लेट भर के कोई चीज़ उनके सामने परोस देती है तो उनकी खाने के प्रति रुचि खत्म हो जाती है इफ़ ए चाइल्ड इज गिवेन अब माँ तो बहुत सारा दे देती है और फिर माँ ये कहती है कि फिर फिनिश करो फिनिश करो उस पर जो वो प्रेशर बनाती है इससे बच्चे के अंदर खाने के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है तो कभी भी माताओं को या घर में जो भी बच्चे को खाना खिला रहा है वो कभी भी इस तरीके की बात ना करें इफ़ वे चाइल्ड इज़ गिवेन ए स्मॉल सर्विंग ए ग्रेटर नंबर ऑफ दैम मे बी कंज्यूम्ड यही देखिए हम बात आपको बता रहे हैं कि खाना जब भी बच्चे को दिया जाए तो थोड़े थोड़े अमाउंट में दिया जाए इससे क्या करता है बच्चा बहुत लाइक करता है और वो फिर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर पाता है तो इसका ध्यान देना चाहिए हम्म अब आते हैं हम लोग आई सी एम आर रिकमेंडेड डायट्री इन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन का ये आई सी एम आर का टेबल है जिस तरह से मैंने टॉडलर्स के लिए बताया उसी तरह ये टेबल है इनका बॉडी वेट 18 चार से छः साल के जो बच्चे होते हैं 18 किलो उनका एवरेज नॉर्मल वेट होना चाहिए अगर 18 किलो है तो इन्हें एनर्जी प्रतिदिन 1350 यानी 1350 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रोटीन 20.1 ग्राम फैट 25 ग्राम कैल्शियम 600 मिलीग्राम आयरन 13 मिलीग्राम और विटामिन ए दो रूपों में है रेटिनॉल म्यूजी में 400 हंड्रेड बीटा कैरोटीन 3200 टू हंड्रेड थाइमिन जीरो पॉइंट सेवन मिलीग्राम रैोफ्लेविन जीरो पॉइंट थ्री मिलीग्राम नियासिन 11 मिलीग्राम पैराडॉक्सिन ज़ीरो पॉइंट नाइन मिलीग्राम एस्कॉर्विक एसिड फोर्टी मिलीग्राम डैट्री फॉलेट हंड्रेड म्यूजी इनको अत्यंत आवश्यक होते हैं क्योंकि इनमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए विटामिन बी ट्वेल्व भी इनके लिए उतना ही चाहिए जो कि साइनको वालामेंट को चाहिए जीरो पॉइंट टू टू वन मैग्नीशियम सेवेंटी मिलीग्राम जिंक सेवन मिलीग्राम तो आई का ये जो आर टेबल है ये भी स्टूडेंट्स आप प्री स्कूल चिल्ड्रेन के लिए याद कर लीजिएगा आपके अपने एग्जाम्स के लिए ये प्रिपेयर करिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अब डैटरी गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन कुछ बातें तो मैंने पहले भी बता दी लेकिन कुछ और बतानी हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए द डाइट शुड बी एडिक्वेट इन क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रियट्स मतलब जो भी न्यूट्रियट्स इनको चाहिए प्रोटीन कैल्शियम आयरन स्पेशली विटामिनस एंड मिनरल्स इनको अत्यंत आवश्यक होते हैं तो उसकी क्वान्टिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी वाइज भी वो न्यूट्रियट्स उनके शरीर में अच्छी तरह पहुंचे ऐसा आहार बच्चे को दिया जाना चाहिए इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ मिल्क रिकमेंडेड द प्री स्कूल चाइल्ड शुड हैव टू स्मॉल सर्विंग ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स मिल्क जो है बच्चे को जरूर रिकमेंड करना चाहिए तो कम से कम दो बार जो है मिल्क तो दें ही मिल्क के साथ साथ भी उसको ऐसी चीज़ें उसके खाने में प्रिफर की जानी चाहिए जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जैसे अंडा दे सकते हैं एंड अदर नॉन वेजिटेरियन फूड्स अगर नॉनवेज खाने वाली फ़ैमिली है तो बच्चे को अंडा और फिर मीट एंड फिश भी थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है लेकिन वो जस्ट सीजनड होना हल्का सा सीजनड होना चाहिए बॉयल्ड होने चाहिए ताकि बच्चा इजीली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब कर सके पल्सेस दे सकते हैं यानी दालें सब तरह की बच्चों को दी जा सकती हैं और पनीर और चीज़ भी देने से प्रोटीन इन्हें भली भांति प्राप्त हो सकता है एनिमल फूड देंगे तो उससे जो हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन बच्चे को प्राप्त होगी जिससे उसका मस्कुलर स्केलेटन और बोन्स का और प्लस ब्रेन का यानी मेंटल डेवलपमेंट जो इस समय हो रहा है वो बहुत प्रॉपर ढंग से हो पाएगा व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट एटीन मंथ्स ओल्ड जब 18 महीने का वो हो जाता है तो फिंगर फूड शच सच एज़ कैरेट्स कैन बी गिवन मैंने अभी कहा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम फिंगर शेप में बच्चे को दें तो आसानी से कट कट के खा भी लेता है और न्यूट्रिशन भी उसकी बॉडी में चला जाता है फूड इनटेक ऑफ चिल्ड्रेन इम्प्रूव इफ द फूड इज इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बच्चा खाना तभी खाता है जब फूड बहुत अट्रैक्टिव लगे सुंदर लगे देखने में तभी उसका इंटरेस्ट आता है जैसे चपातीज़ बनाए तो गोल गोल चपातीज़ हों फुली फुली पूरीज़ हों कैन बी मेड इन टू डिफ़रेंट कलर्स अब पूरी को डिफरेंट कलर में जैसे तिरंगी पूड़ी बना सकते हैं, हैं आटे के तीन आ, कलर आटे के तैयार कर लें जैसे एक में चुकंदर आटे में कद्दूकस करके Okay. और उसका पानी निकाल लें उससे लाल लाल आटा गूँध लें दूसरा आटा पालक का पानी तैयार कर लें और ग्रीन ग्रीन आटा और एक वाइट आटा है तो इस तरह तीनों आटों को मिलाकर तिरंगी पूड़ी बना लें चपाती भी डिफरेंट कलर में डिफरेंट शेप में चपातीज भी बनाई जा सकती हैं कैन बी मेड इन टू डिफरेंट कलर्स एंड इन ऑफ ग्रीन्स एंड वेजिटेबल इससे क्या हो रहा है उनकी बॉडी में वेजिटेबल्स भी जा रहे हैं हरी साग सब्जियां डाल रही हैं एंड कैन बी सर्वड इन एट्रैक्टिव प्लेट और केवल बनाना ही नहीं है बल्कि इसको सर्व भी बहुत अट्रैक्टिव प्लेट में करना है खूब कलरफुल हो खूब सुंदर सुंदर प्लेट हो जैसे आजकल बच्चे डोरेमान की प्लेट मांगते हैं जो वो न, न, कार्टून्स देखते हैं टीवी में मोबाइल पे तो वो ये चाहते हैं कि उस तरह के डिज़ाइंस बने हुए अगर प्लेट में होते हैं तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के इंटरेस्ट लेके खाना खाते हैं फ्लेवर एंड कलर ऑफ द मिल्क कैन बी चेंज टू एंकरेज द चाइल्ड टू ड्रिंक मिल्क बच्चा दूध पीने से पीछे हट रहा है तो अगर हम उसमें थोड़ा सा खाने वाला कलर ऐड कर दें या हम कोई भी जैसे हॉर्लिक्स बॉनबीटा ये जो एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं उनको उसमें ऐड कर दें तो बच्चे को एक तो सारी न्यूट्रियस भी प्रॉपर मिलेंगे और फिर दूध का कलर भी चेंज हो जाएगा इसमें भी चॉकलेट भी आता है वनीला आते हैं कई फ्लेवर्स आते हैं प्रोटीनिक्स डाल दें क्योंकि बच्चों को तो प्रोटीन की इस समय जरूरत है पर क्वांटिटी देखते हुए फूड शुड बी स्लाइटली सीजन सो दैट दे टेस्ट बेटर एंड चैल्ड टेक्स इट वेल बहुत ही हल्का सा नमक या बहुत हल्का सा कुछ भी मसाला यूज़ करना चाहिए इनके खाने में ताकि बच्चा अच्छी तरह से उस खाने को ले सके। डिसलाइक्ड फूड शुड बी मिक्स्ड विथ फेवरेट फूड जो अगर किसी खाने को वो नहीं पसंद कर रहे हैं तो जो चीज़ें उसको पसंद है उसके साथ में ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कोई वेजिटेबल है जिसे लाइक like नहीं कर रहा है लेकिन पोटैटो को लाइक like कर रहा है तो पोटैटो के साथ उसको मिक्स कर दें जो उसका फेवरेट है तो उसमें वो फिर उसको भी पसंद करने लगेगा और खा लेगा चिल्ड्रेन शुड बी डिसक्रेज टू टेक प्रोसेस्ड एंड जंक फूड बच्चों को कभी भी प्रोसेस्ड और जंक फूड खाने के लिए एम्फेसिस नहीं देना चाहिए जो नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसे ही बच्चे इसी एज से मोटापे की गिरफ्त में आ रहे हैं और ये फूड उनके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है इससे उनके शरीर में बहुत ज्यादा फैट शुगर एंड सॉल्ट जाता है जो और अजीनोमोटोस में पड़ा होता है जो कि उनकी ब्रेन की आ, सेल्स को डैमेज करता है इसलिए कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए मोस्ट ऑफ द फूड सर्व मस्ट बी फ्रॉम द फैमिली पॉट कह रहे हैं कि ज़्यादातर खाना बच्चों को जिन पर, जिस बर्तनों में परिवार के अन्य सभी लोग खाना खाते हैं उन्हीं बर्तनों में बच्चों को खाना सर्व किया जाना चाहिए परोसा जाना चाहिए उससे बच्चे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं और बहुत खुश होकर इंटरेस्ट लेके कि वो भी अब बड़े हो गए हैं सब बड़ों की तरह खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो वो इंटरेस्ट लेते हैं और खाने के प्रति उनका रुझान बढ़ता है तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रेंस के न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आ गया होगा और जिन बच्चों की कोई भी क्वेरी हो तो आप बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं और पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू